इधर देखिए माजी नीचा मुड़ी करके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार मेरे साथ राइड में मेरी दादी भी आ गई है। इसलिए क्या है ना कि दादी लोग को कहीं घूमने का मौका नहीं मिलता है। मैं तो घूम रहा हूँ, मैं जो भी से पूरा कर रहा हूँ, बट दादी लोग को कौन घुमाएगा, राइट। ये सब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तो मैं इसलिए दादी को लेकर देहरादून आया हूँ। इस बार आज सैटरडे है और मेरा ऑफिस भी बंद है, तो मैं प्लान किया था जाने का एक जगह, सहस्त्रधारा, जो मेरे जगह से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो ऑलरेडी मैं आधा रास्ता कवर कर लिया हूँ और मैं देख सकते हैं आप पहाड़ों में आ चुका हूँ। और दादी भी खूब इंजॉय कर रही है। कैसा लग रहा है माजी? अच्छा लगा उन्हें? हाँ, बस आधा जर्नी बचा हुआ है, उसको कवर करते हैं एंड देन फिर पहुँचते हैं सहस्त्रधारा। बहुत अच्छा लोकेशन है, ठीक ना माजी? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत माजी को बाइक पर कोई दिक्कत नहीं है। माजी को बाइक पर बैठने में बहुत मज़ा आता है और मैं सारा सेफ्टी का मतलब जो भी होता है ध्यान रखता हूँ। जो भी है माजी के लिए सारा व्यवस्था भी करके रखे हैं, तो ये सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं। पता है दादी को बिठा के पहाड़ में आने के बाद ना एक चीज़ तो फील हो गया है, वो ये ना कि जैसे देखिए जब मैं पहले अकेले चलता था सोलो राइड, तो क्या था मतलब अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं 60, 70, 50 जैसा अपना माहौल। लेकिन दादी के साथ जब जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ मेरे साथ कोई और बैठे हुए हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली मेरे ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि उससे मुझे दिक्कत होता है, कोई बर्डन क्रिएट होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना बस माइंड थोड़ा अटेंटिव रहता है, एक अलर्टनेस क्रिएट होता है मेरे माइंड पे और मैं थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ। दारा किधर है? अच्छा, यहाँ से अंदर है। एक्चुअली ना मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। पर्ची हाँ हाँ दे दिए हैं, ओके थैंक यू। प्राचीन शिव मंदिर सहस्त्रधारा, चलिए अच्छा है, पहले मंदिर घूमते हैं। लेकिन ये ड्रोन गुफा है, तो पहले जूता निकाल लो और अंदर चलो। आ जाओ दादी आ गई ले। ये तो अरे अरे माँ जी इस पर से मत आना, अरे हमर तो गेलो सब मेरा सब भींग गया पूरा। यहाँ से रास्ता है, द्रोण गुफा का रास्ता इधर है। आओ माँ जी ऊपर आओ, ठीक। अरे यार ओहो कितना नेचुरल लग रहा है देखने में। माँ जी देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है ना। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो फोटो, लेकिन हम तो वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा है ना माँ जी? अरे अंदर तो और खतरनाक दिखे ना माँ जी। हम नीचे में आपको दिख सकता है बहुत सारा शिवलिंग बना हुआ है, आराम से उतरना वाली, ठीक है। तो गाइस मंदिर से निकल गए हैं और यहाँ द्रोण जी का फिर से एक बना हुआ है, द्रोणाचार्य का। यहाँ पे पानी देख के ना माँ जी को नहाने का मन कर रहा है। नहाना है माँ जी? माँ जी को पूरा नहाने का मन कर रहा है। एक्चुअली माँ जी फर्स्ट टाइम ऐसा देखी है, इसलिए शायद मन कर रहा होगा। और ये वाला बहुत ही सुंदर दिखा है, एकदम बारिश जैसा, नहीं माँ जी? एकदम पानी देखिए ना पत्ता से कैसे एकदम छन छन के आ रहा है। ये पानी पी सकते हैं कि नहीं? पी सकते हैं माँ जी? एक्चुअली पूरा साफ होगा, चेक करते हैं। मीठा हो माँ जी, देखिए ना पी के थोड़ा सा है ना, है ना? माँ जी को निश्चुप करना था, आराम से माँ जी। माँ जी हमको ज़्यादा फुर्तीला नहीं है, ऐसा नहीं समझेगा कि बूढ़ी है, थोड़ा सा ओल्ड पर्सन है, ये वो कुछ भी नहीं है। माँ जी मस्त है। ले माँ जी आगे लें। और अभी यहीं पे हैं माँ जी, मस्त इन्जॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, अच्छा लग रहा है मुझे भी। और सबसे मेन बात पे ना मुझे पता चला है अभी कि यहाँ पे रोपवे भी है ऊपर जाने के लिए। माँ जी चलमी रोपवे पे, रोपवे वो लिफ्ट से ऊपर जाए, चलमी ऊपर आए आए हाँ एकदम ऊपर पहाड़ पे, एकदम ऊपर लिफ्ट से चलमी आए की हो कुछ होगा ही ना, जैसे नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, लिफ्ट से बैठे खाली बस। और चलमी माँ जी कन्फ्यूज है, ठीक है चल माँ जी चल चल चलते हैं माँ जी को लेकर। आई थिंक माँ जी कभी गई नहीं है रोपवे पे। एक चीज़ अब दादी को कोई मतलब नहीं है झरना वरना से। एक बीच में झरना भी आया, माँ जी देखो झरना, नहीं झरना छोड़ो, अब रोपवे पे बस। तो आ गए रोपवे के पास यहाँ रोपवे का टिकट है 200 रुपीज़ पर। आइए लेते हैं। ठीक है, माजी पूरा खुश है कि माजी मजा आए तो ना। वो दिख रहा ना तार, दिख रहा ऊपर तार, वो वाला तार है ना, वही तार से ऊपर जाना है। कैसे जीते जमीन चल मजा आए तो ना, ओकरे में लटक के जाना है। इजार लो ना माजी, एकड़े में जाना है। अब डर नहीं लगता, अब ठीक हो ना। चलो भाई चल। हाँ आराम से माजी, दो खा लिए जा रहे हैं। हाँ पता है गाइस, माजी का मस्त एक्सपीरियंस है इसमें, है ना माजी? कैसा लगलो बताइए तो। अच्छे लगा हो लेकिन हैं कैसे लगाए जा है। पूरा क्यूरियस है हमारी जानने के लिए कैसे क्या है इसमें, इसका क्या पूरा साइंटिफिक रीज़न है ऊपर जाने का। दूसरा ढेर सा है गाड़ी में, ढेर सा है। हाँ माजी ढेर सारा है। माजी स्ट्रेंजर सबको हाई बाय कर रही है। पता नहीं माजी का दोस्ती कैसे जाता है सब जगह, कैसे हो जाए माजी दोस्ती थोड़ा सबसे। प्रणाम दादी, हाय दादी। जहाँ जिसे हम जाते कहीं, मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं, कोई बातचीत कुछ भी नहीं, और माजी जहाँ भी गई वहाँ मस्त तुरंत में दोस्ती, तुरंत में। आ जाओ आराम से, आ जाओ आराम से, आराम से, ठीक हो ना। ऊपर में एक मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं। माजी को जिद रहता है कि मंदिर ही जाना है मेनली रूप से। हाँ, और माजी को फूल से बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। और यहाँ पे एक साईं बाबा का छोटा सा मंदिर है, साईं मंदिर। और इधर एक टॉय ट्रेन का है बना हुआ नीचे में बच्चों के लिए। माजी देखने गई है ना, ये बंदर पढ़ क्या रहा है। कोची पढ़ ले माजी। ऊपर तक है तो की पढ़ते, ऊपर तक रहे। कोची को लिखल है की लिखल है, नीचा मुड़ी करके पढ़ो। किताब यहाँ है, आसमान देख रहे। ये गाइस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वे टू स्पेस, ये क्या पता नहीं क्या ही है। ये बहुत टेक्स्ट वे टू स्पेस लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। चल माजी आसमान में घूमे। चल हाँ चल, आसमान में घूमे चल। हाँ आओ माजी। अरे ये क्या है, चलाइए भैया, चलाइए इसको, चलाइए। बंद हो गया मुझे से अंदर। अरे वाह मस्त है ना माजी। चलो माजी। अरे भाई साहब, एक गजब का एक्सपीरियंस था। कैसे लगलो माजी? लगले घूम रहा, मजा आई लो। तो अभी हम लोग आ गए एक छोटा सा हट टाइप का बना हुआ था, व्यू पॉइंट है यहाँ पे, देखिए मस्त। और यहाँ देखिए पीछे कैसा व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारा घूम के हो गया, ऊपर तक गए, माजी भी थक गई, और अब हम लोग चलते हैं नीचे, है ना माजी? काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी सूदिंग है, और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है वैली का। हाँ माजी, हाँ माजी। माजी को फोटो के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो भी अच्छा चीज़ दिख रहा है उसका फ़ोटो लो, माजी का ऑर्डर है। माजी जल्दी चलो। हाँ इस बार मिला है खुला वाला, ये अब अच्छा हम व्यू ले पाएंगे फ़ोटो में ना। नीचे और अब बस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम लिए और अब बस घर निकलना है। ठीक ना माँ जी, अब घर चलना है ना कि और कहीं घूमना है आपको? ठीक है तो चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो पूरा जंप कर जाएगा ना माँ जी, हिला गया पूरा कूद जीते देह पे ना।